का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इसी शुभ कार्य को करने के लिए प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश संस्था द्वारा दिल्ली के बकरवाला में स्थित सुधांशु जी महाराज के आनंद धाम आश्रम में 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया गया। जिसे प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राम सिंह खडोदिया ने आयोजित करवाया। इस आयोजन में प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश संस्था ने गरीब कन्याओं की शादी बड़ी धूमधाम से की और सारे रीति रिवाज के साथ सभी जोड़ों का विवाह करवाया। इस सामूहिक विवाह समारोह में उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, एमएल तिवारी, फूल सिंह, महासचिव राजेश कुमार, उषा रानी, डॉक्टर विनोद आर्या, रोहताश कुमार प्रजापति, मुख्य संयोजक फिरी राम प्रजापति सहित कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की, जिन्हें फूल माला पहनाकर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसका उद्देश्य यही है कि जो फिजूल खर्ची है शादियों में हम लोग करते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं रही है। एक कंपटीशन चालू हो गया है, लोग 500 करोड़ तक का आपने सुना होगा कि शादियों में लोग पैसा खर्च करते हैं, वो यूजलेस है। सजावट है, खाना है, 300 किस्म की जो है सब्जियां लगा देते हैं, खाता कितना है, आदमी का जितना लिमिटेड है उतना ही तो खाएगा। तो मतलब जो हमारे रीति रिवाज थे वो बुजुर्गों ने इसलिए बनाए हुए थे, एक दूसरे से मेल जोल होए, जान पहचान होए, और उसने लोगों ने इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर दिया कि हम अपनी हैसियत दिखाएं कि हमारे पास कितना पैसा है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को नज़रअंदाज रखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि दहेज रहित शादियां हों, ताकि कम से कम खर्च हो और जो पैसा आप शादियों में बचाएंगे उसको एजुकेशन के लिए, अपने कारोबार के लिए, इस तरह के कामों में आदमी काम ले, ताकि समाज साधन संपन्न और समृद्ध हो सके। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, लगातार हम 21 वर्ष से सामूहिक विवाह कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता फैले हुए हैं, लोगों को समझाते हैं कि सामूहिक विवाह जो है आज के दौर की मुख्य मांग है। जो पैसा हम विवाह में खर्च करते हैं, अगर उस पैसे को हम सही जगह यूटिलाइज करें, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करें, बिजनेस में खर्च करें, तो उस फायदे का कुछ ज़्यादा फायदा हो सकता है। उस पैसे से हम बच्चों को अच्छे कोचिंग सेंटर में कोचिंग दिलवाएं, ताकि हमारे बच्चे किसी अच्छी सर्विस में लग सकें। उन पैसों से हमारी बेटियों के बचत खाते में पैसा जमा हो सके, ताकि उनको फ्यूचर में कभी काम आ सके। मैं जो बड़े बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, उनको भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि वे लोग इस सामूहिक विवाह में अपने बच्चों की शादी करवाएँ, ताकि दूसरे लोग भी उनसे सबक ले सकें, उनसे सीख ले सकें, वे भी उनमें सामूहिक विवाह में अपनी शादी करा सकें। आपको बता दें कि सामूहिक विवाह में भोजन की व्यवस्था ईश्वर, ताराचंद, ओम प्रकाश और संजीव की टीम द्वारा की गई और साथ ही संस्था के अध्यक्ष राम सिंह खंडोदिया ने बताया कि करोड़ों के खर्चे को बचाने और गरीब परिजनों की सहायता के लिए उन्होंने यह कार्य किया है। इसको बहुत अच्छा लगता है, एक तो टाइम की भी बचत रहती है, पैसे की भी बचत रहती है, एक दूसरे से मिलने से एक प्यार भी मिलता है। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय लेवल तक इस काम को किया जाए, जिसके दहेज प्रथा खत्म हो जाए। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है विश्व जागृति मिशन, विश्व को जागृत करना। आज लोगों में जो व्यावसायिकता हो गई है उससे मानवता का ह्रास हुआ है, और महाराज जी का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि केवल हम ऐसे साधारण जीवन जिए, खाएं पिए, मर जाएं। हमारा लक्ष्य है कि हम किस तरह से समाज के लिए, मुख्य बात ये नहीं कि हम कितने प्रसन्न हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हमारा, हमारे जीवन का किस तरह से दूसरों के हित में क्रियान्वयन होता है। तो महाराज जी से जब मुलाकात हुई थी श्री राम सिंह जी की, तो महाराज जी ने कहा, मुझे निर्देश दिया कि इनका हर तरह से सहयोग कीजिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या है कि परोपकार, और इन हर व्यक्ति अपने परिवार के विषय में सोचता है, लेकिन जो समाज के विषय में सोचता है, कहते ना परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर उपकार बचन मन काया, और संत स्वभाव सहज खगराया। तो महाराज जी ने इनको, जब भी मिलते हैं महाराज जी को, इनसे मिलकर बड़ा आनंद की अनुभूति होती, क्योंकि ये समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और आगे भी समाज के हित में कार्य करते रहेंगे। इस
इस आयोजन में रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश ने ये सामूहिक शादियों का कार्यक्रम किया है। ये समाज को बहुत अच्छी दिशा देने का है। कम खर्चे में हम लोग समाज की बेटियों को की शादियां कर रहे हैं। ये प्रजापति महासभा का बहुत सराहनीय कार्य है। इससे समाज में हम लोग प्रेरणा देते हैं, इस बात की प्रेरणा हमें मिलती है कि ये बिगर दहेज की जो शादियाँ होती हैं, इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है। और हमारा समाज, क्योंकि गरीब समाज है, हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं इस शादी के माध्यम से कि कम खर्च करके हम ये शादियां कराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द डेली टुडे न्यूज़।